मनोरंजन जगत से बेहद ही बुरी खबर सामने आई। लेजेंडरी सिंगर पंकज उधास का निधन हो गया। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पंकज की बेटी नायाब उधास ने सिंगर के निधन की खबर शेयर की। पोस्ट में उन्होंने लिखा, बहुत दुख के साथ हमें ये बताना पड़ रहा है। पद्मश्री पंकज उधास का 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। पंकज उधास के पीआर ने बताया कि सिंगर का निधन 26 फरवरी की सुबह करीबन 11 बजे बीच कैंडी अस्पताल में हुआ। लंबे समय से वे बीमार थे। बीते कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। सिंगर के निधन की न्यूज पता चलने के बाद म्यूजिक जगत में मातम पसर गया। पंकज जैसे गजल गायक का ये दुनिया छोड़कर जाना फैंस को गमगीन कर गया। हर कोई सोशल मीडिया पर नम आंखों से सिंगर को आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं दूसरी ओर पंकज उधास के निधन से सेलेब्स दुखी हैं। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन सदमे में हैं। उनके मुताबिक पंकज का जाना म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पंकज उधास को कौन नहीं जानता। गजल गायकी की दुनिया में पंकज उधास से कौन परिचित नहीं होगा। पंकज उधास ने बहुत छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। पंकज उधास जब 6 साल के थे तब से ही उन्होंने गाना शुरू किया था। उनके पिता और बड़े भाई संगीत से जुड़े थे, जिसके कारण पंकज उधास भी संगीत की तरफ बढ़ चले। आज पंकज उधास जब हमारे बीच नहीं है तो सब उन्हें एक बार नम आंखों से याद कर रहे हैं। बता दें कि 17 मई 1951 को उनका जन्म हुआ था। पंकज उधास ने बताया था कि वे म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े हुए हैं। वहां सामूहिक तौर पर प्रार्थना होती थी और धीरे धीरे वहां से उनके गाने का दौर शुरू हुआ। ऐसे मिला था फिल्म गाने का मौका। वो कौन सा दौर था वो भी आपको बताते हैं। 1972 में आई फिल्म कामना में पंकज उधास ने गाना गाया था, जो काफी हिट हुआ। पंकज उधास को उस फिल्म में गाने का मौका उषा खन्ना ने दिया था। पंकज ने बखूबी तुम कभी सामने आ जाओगे तो पूछूं तुमसे गाया था, जो लोगों की जुबान पर चढ़ गया। उस वक्त पंकज उधास की उम्र सिर्फ 21 साल थी और वे उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन आज जाहिर तौर पर म्यूजिक इंडस्ट्री और तमाम पंकज उधास के फैंस और चाहने वालों के लिए काला दिन है। किसी बुरे सपने जैसा ये दिन कटने वाला है।